सबसे मैं नौजवान युवा को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस संकट में, इस घड़ी में जो हमारा साथ दिया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े हथकंडे अपनाए थे, इतने बड़े बड़े वफाएं फैलाई थी, इतने बड़े बड़े गरीब जनता के भोले भाले लोगों के जहन में ये बिछाया था कि अब अगर आप लोग आंसी के सपोर्ट करेंगे तो हो सकता आपको पार्टी से कोई भगा लेगा, कोई यहाँ पर रहने नहीं देंगे, लेकिन ये सारा इनका जो फ्रॉड है, ये जो सारा इनका जो शोषा है, ये सही गलत है। कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, खतरे में है तो इनके पेट खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। या हमारे बुजुर्ग लोगों को, हमारे भोले भाले लोगों को बिना सुझा कर उनसे वोट लेते हैं, बाद में उनको फोन या राम सच करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। मेरे भाई लोगों, ये लोग, इन लोगों को अपने भली भांति इतने सालों में जांचा परखा, लेकिन ये लोग, अगर ये लोग सही होते थे, मैं इन बीजेपी वालों के लीडर, यहाँ से जो लीडर है स्थानीय लीडर, उनको कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग इन 10 सालों में इन्होंने काम किया होता था, इन्होंने लोगों की समस्या हल की होती थी, तो सेंटर से लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ क्यों लाई? क्या क्या इन्होंने 10 साल यहाँ पर, जबकि दिल्ली से आकर और बड़े बड़े धर्मगुरु को लाकर यहाँ पर और जीवन से दिलाया, ये मजबूरी खड़ा कर दी, क्योंकि हर किसी को आज, हर किसी को जो भी जिस मौसम से है उसको अपने मौसम से कोई कोई आस्था होती है। अगर किसी के मौसम के साथ कोई गुरु आकर बोलता है तुम और दो फलाने लोगों को, ये लोग थे कहाँ, ये 10 साल में थे कहाँ? अभी इन्होंने इंसेंटिव से लाकर यहाँ पर लोगों को भड़काया, जैसे भी किया वोट लिया। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 10 सालों में तो लोगों को बहुत बड़ी समझदार दिखाए, लेकिन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? अब आपका ना बाग रहा ना डाली रही, अब जम्मू कश्मीर में आपका कुछ कचल नहीं। ऐसे कहता हूँ, आपने जो जितने खड्डे खोदे थे आप उन खड्डों में खुद गिरोगे, पर अब होने वाला कुछ नहीं है। और ये लोग जो है, इन्होंने कुछ नहीं किया सवाई धर्म खतरे में, साथ पात खतरे में, और गवर्नमेंट के नाम पर तो जीरो है, कुछ नहीं है। मैं अपने पंचायत की यहाँ पर थोड़ी सी समस्या बोलता हूँ कि हमारे पंचायत में यहाँ पर कम से कम 20-25 के करीब यहाँ पर जॉब कार्ड होल्डर काटे गए हैं, जिनको अभी दो तीन साल पहले उनको जॉब दिया गया था, रोजगार के लिए जॉब कार्ड नंबर दिए गए थे, उसके बाद उन नंबरों को डिलीट कर लिया। उसके बाद हम लोग, मैं भी एक यहाँ का पंच रहा हूँ, हमने डीडीसी तक सरपंच तक तमाम अपने ये पुकार लोगों की समस्या वहाँ तक पहुँचाई, लोग वहाँ तक मिले हुए हैं, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये लोग जमीनी सतह से गरीब की आवाम और ग्राउंड की जो काम है उस पर ये फेल हो चुके हैं। इनको ये की है, इनको ये की सिर्फ एक बात की आईटीआई कर ली है, लोगों को भड़काना और उनसे वोट लेना, बस अपना वोट लेकर बाद में कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ अलविदा। जय जय भारत।